लिसन ऋषि, यार मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। हाँ मैं भी यार। क्या तुम्हें क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? एक खोई हुई किताब। कौन सी? एक खोई हुई किताब। अरे कौन सी, नाम तो होगा कुछ। अरे वही नाम है, खोई हुई किताब। अरे तुम किताब छोड़ो, लीव इट। जहान के स्कूल से मेल आया है, उसका स्कूल खुल रहा है जून में। हाँ, so cool यार। छोटा सा जहान, छोटी सी यूनिफॉर्म पहन के, छोटे से शूज, छोटा सा बैग लेके। अरे तुम इन छोटी छोटी बातों में एक बड़ी बात नहीं बोल रहे हो? क्या यार, वो कभी हमारे बिना नहीं रहा है। वो कैसे जाएगा स्कूल अकेले, रोएगा। वो रोएगा तो मैं रोऊंगी, मैं रोऊंगी तो मैं नहीं रोऊंगा, कोई नहीं रोएगा इनफैक्ट। अरे दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी जो स्कूल जा रहा है, हर बच्चा स्कूल जाता है, ऐसे ही तो सीखेगा वो, और एक दो दिन की बात है, देन ही विल गेट यूज्ड टू इट। नहीं यार, एकदम से घर से बाहर कैसे जाएगा, नए लोगों के साथ कैसे कोप करेगा? कोप नहीं, टॉप करेगा हमारी एक्सपेक्टेशंस, टॉप। अरे स्टड बॉय है, खेलते कूदते जाएगा, देखना। हाउ? ये भी तो हो सकता है ना कि वो घर बैठे बैठे हमारी शक्ल देख देख के उब गया हो। मे बी इज बोर्ड ऑफ अस, ही नीड्स अ ब्रेक, थिंक पॉजिटिव। नहीं यार, आई डोंट थिंक सो, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस नहीं, दिस इज कॉल्ड सेपरेशन एंग्जायटी, जो बेचारे जहान को होनी चाहिए पर उसकी मम्मी को हो रही है। यू नीड थेरेपी। थेरेपी? तुम्हें लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया? अरे मसाज थेरेपी, स्पा वाली, कैंडल्स के साथ, यू गेट इट, विद नाइस म्यूजिक। ये मॉल में नया स्पा खुला ना, यू शुड गो देयर, यू विल हैव फन, इट विल बी अ ब्रेक। ओ हाय। मॉल में स्पा था या स्पा में मॉल था? नहीं, स्पा तो मॉल में ही था, लेकिन स्पा में 15 मिनट की वेटिंग थी। आई वेंट फॉर अ शॉपिंग स्प्री। शॉपिंग स्प्री नहीं, शॉपिंग फ्री लग रही है। नहीं नहीं, फ्री नहीं था, आई पेड फॉर इट। बट ये देखो, पहले मैंने ये टॉप खरीदा, मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने ये बैग खरीदा डिस्काउंट में, मुझे और भी अच्छा लगा, तो मैंने स्पा का आइडिया ड्रॉप ही कर दिया। कितना हुआ इन सब पे खर्च? 11,000। 11,000 का फालतू एक्सपेंडिचर ना बेबी। नहीं, 3,000। कैसे? सी, 4,000 का डिस्काउंट मिला मुझे सारी चीजों पे, और 4,000 मैंने स्पा का बचाया, 3,000 ही हुए ना। 3,000 में इतनी सारी शॉपिंग भी हो गई और मेरा मूड भी ठीक हो गया, विन विन। तो कल परसों भी जाएगी तो 4,000 जाएंगे ही ना। OMG रो, दिस इज गॉज। ऋषि ने तुम्हें स्पा थेरेपी के लिए भेजा और तुमने रिटेल थेरेपी कर दी। हर प्रॉब्लम का बेस्ट सलूशन। क्या हुआ रो, इतनी सारी शॉपिंग करके भी खुश नहीं हो? व्हाट्सअप? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, पर एक गलती हो गई यार। व्हाट? यार एक ब्लैक कलर की ड्रेस थी सीक्वेंस वाली, एंड इट फिटेड मी लाइक अ ड्रीम, पर मैंने नहीं ली। Why, Ro? I thought ये भी sequence है, वो भी sequence है। Last minute billing counter पे निकाल दी मैंने। इतना अफसोस हो रहा है ना। लेकिन ये तो jumpsuit है ना Ro? वो तो dress थी। हो गई ना तुम्हारी retail therapy, regret therapy। जो लिया उसकी खुशी कम, और जो नहीं लिया उसका हो रहा है गम। तो अब? Now we have to go and get it। अभी? Of course। You need this। You deserve this। और अगर तुमने वो dress नहीं ली तो तुम्हें रात को नींद कैसे आएगी? हाँ, ड्रेस बिक भी जाएगी। लेट्स गो। तो हम लोग ऑफिस एक्सटेंड कर रहे हैं। इंदा बिरयानी प्लेस। हाँ। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे बस मॉल जा रहे हैं। अभी? हाँ कुछ काम है। क्या काम है? आके बताते हैं ना। और लंच? ऋषि, व्हाई यू ग्रिलिंग हर? अरे चिकन ग्रिल करने रखा है ना मैंने। तुम लोग खा लेना, हम लोग आके खाएंगे। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? मैंने कुछ किया? रो मॉल में कुछ भूल गई थी। क्रेडिट कार्ड ना, मैंने कहा था तुम क्रेडिट कार्ड वॉलेट में। अरे नहीं यार, मैं कुछ एक्सचेंज कराने जा रही हूँ। पर कुछ लेके तो जा नहीं रही हो एक्सचेंज करने के लिए? तो जो एक्सचेंज कराना था वही तो भूल गई हूँ, आते हैं ना। चल तुझे समझ आया क्या, लोग अचानक मॉल क्यों चले गए? तुझे पूर्ण विराम पता है? हिंदी का फुल स्टॉप। एग्जैक्टली। तो जब बीवी कहती है कि वो मॉल जा रही है तो सेंटेंस में एक हिडन पूर्ण विराम होता है, मतलब उसके आगे कोई सवाल जवाब नहीं। वी हस्बैंड्स, वी डोंट हैव दैट प्रिविलेज। हमारे हर सेंटेंस में अल्पविराम होता है। कॉमा, करेक्ट। मैं जब भी रोनी से कहता हूँ मैं नीचे जा रहा हूँ, कॉमा फुटबॉल खेलने, कॉमा दो ढाई घंटे में आ जाऊंगा, कॉमा वो फिर भी मुझे कहती है दो ढाई घंटे में नहीं, डेढ़ घंटे में आ जाना, मैच 90 मिनट्स का होता ना, शी नोज। अरे फुटबॉल से याद आया, व्हाट प्लान्स फॉर द फीफा वर्ल्ड कप? मैं आज ही टिकट्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तू चलेगा इस बार? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स चलूंगा। तुझे क्या वो पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह चाहिए ना, मैं भेजता हूँ। लास्ट टाइम की तरह इन बोल के व्हाट्सएप ग्रुप से आउट तो नहीं हो जाएगा? तब की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है दोस्त। पैसा, परमिशन दोनों सॉर्टेड, व्हाट्सएप ग्रुप मैं बनाता हूँ। होल्ड ऑन ओवर यार, तुझे कोई स्पॉन्सर कर रहा है? मेरी इन्वेस्टमेंट स्पॉन्सर कर रही है मुझे। क्या बात कर रहा है, कहाँ से मिल रहे हैं तुझे ऐसे रिटर्न्स? टीटी मनी से इन्वेस्ट करके, एंड नाउ आई हैव आल्सो अपग्रेडेड मायसेल्फ टू जीनियस। तू और जीनियस? अरे मैं जीनियस नहीं, ये एक मेंबरशिप प्लान है ईटी मनी पर, जो मुझे मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से सजेस्ट करता है पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स टू मीट ऑल माय गोल्स। शॉट जैसे फीफा,
मिड जैसे बाइंग अ न्यू कार, लॉन्ग लाइक जहान्स एजुकेशन. इन शॉर्ट जीनियस इज लाइक द आर्किटेक्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट लाइफ. एब्सोल्युटली. जीनियस ना सिर्फ मेरा पोर्टफोलियो क्रिएट करता है बल्कि हर महीने मुझे बताता है व्हाट चेंजेस आई शुड मेक इन माय पोर्टफोलियो टू मैक्सिमाइज माय रिटर्न्स एंड मिनिमाइज माय रिस्क्स. तू कौन सी ऐप यूज करता है? व्हाट्सएप. व्हाट्सएप फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए? गॉड ब्लेस यू ब्रो. अरे व्हाट्सएप में 2-3 ग्रुप ज्वाइन करे हैं, उसमें जो सब खरीदते हैं मैं भी वही खरीदता हूँ. मतलब यू नॉट एन इन्वेस्टर ब्रो, यू आर अ शॉपर. जो सब कर रहे हैं वो कर. यार देख, सबकी रिक्वायरमेंट्स, गोल्स, प्लान्स अलग होते हैं और जीनियस ये बात अच्छी तरह समझता है. वाओ मैन, मैं भी डाउनलोड करता हूँ और मिलता हूँ तेरे इस जीनियस से. थैंक मी लेटर. वैसे एक चीज बता. हाँ. तुझे क्या लगता है इटली और पोर्चुगल में कौन जाएगा कतार? फिलहाल तो दोनों कतार में है ब्रो. सो हाउ इज इट? वेरी गुड, आई शॉट. दिखाओ. यस, दिखा दो. सी 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 सी, हाउ इज दिस? वाओ, इसको मिला के पूरे 1 dozen रेड टॉप्स हो गए तुम्हारे पास. दिस इज महोगनी बेब. ओह, यू फीलिंग बेटर नाउ? शॉपिंग करके अच्छा लग रहा है. तबीयत खराब थी क्या? हाँ, मेरे कजिन के डॉगी टफी की. आई हैव बीन क्वाइट डिस्टर्ब्ड. एंड रिटेल थेरेपी वर्क्स बेस्ट फॉर टीना. अच्छा ना, शॉपिंग के साथ थेरेपी मुफ्त. अरे एक ही तो जिंदगी है यार, कहाँ लेके जाना है पैसा? डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी. जो करना है आज करो. आज क्या, अभी करो. Exactly. Hashtag YOLO. YOLO नहीं, ले लो. जो लेना है ले लो. That's what he's saying. YOLO. You only live once. Oh, जोर से बोलो. YOLO, YOLO. सारे बोलो. YOLO, YOLO. मैं नहीं सुनिया. YOLO, YOLO. Wow, Rishi, you're such a sport. And you're a spoiled sport. इसके प्यार ने spoil कर रखा है ना तुम्हें? That's true. Exactly, जैसे तुम्हारे प्यार ने रो को बिगाड़ रखा है. कितना घबरा रही थी ये मॉल में पता है? तुम क्यों घबरा रही थी? शॉपिंग ये कर रही थी, पैसे इसने देने. तुमने क्या घबराना है? नहीं नहीं, मेरा तो एक ही बैग है. अब बाकी की शॉपिंग तो रो ने की है ना. I'm not that close to Tuffy. अभी तो तुम कह रहे थे YOLO, YOLO. ये लो. अपनी ब्रोकली खाना यार. 4 ब्लैक ड्रेसेस तो ऑलरेडी हैं तुम्हारे पास, अब तुम एक और ले आई. यार सीक्वेंस की ड्रेस खरीदी है, वो 4 तो बहुत डिफरेंट है. एक शॉर्ट ड्रेस है, 2 लॉन्ग ड्रेसेस है, उसमें से भी एक इवनिंग गाउन है, मतलब रेड कार्पेट ड्रेस, और एक तो रैप अराउंड ड्रेस है विद रेड बॉर्डर. हाउ इज इट द सेम? और तुमने सुना ना रोमित ने क्या कहा? टीना के पास 1 dozen रेड टॉप्स हैं. प्लीज डोंट कंपेयर, फर्क है. हम लोग जरूरत के हिसाब से चीजें खरीदते हैं, वो चीजें खरीद लेते हैं फिर उसकी जरूरत डिसाइड करते हैं. आर यू सेइंग कि मैंने बस फालतू में शॉपिंग कर ली? तुम्हें मालूम है तुमने फालतू की शॉपिंग की? कम ऑन यार, एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज़ होती है. क्या experience? मुझे इतना अच्छा लगा ये सब खरीद के, मेरा सारा स्ट्रेस चला गया, सारी एंग्जाइटी चली गई. आई एम फीलिंग सो लाइट. योर वॉलेट इज फीलिंग लाइट. एंड प्लीज डोंट टेक दिस रिटेल थेरेपी लिटरली. हाय. ओह हाय. क्या बात है, हट्टी कट्टी लग रही हो? डिड यू जस्ट कॉल मी फैट? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सुबह गई तो फिट थी, शाम तक यू फिट एंड फैब. भूख लगी थी, कुछ हल्का फुल्का खा लिया. इसे एडिक्शन कहते हैं, ठीक है? शॉपिंग की लत लग चुकी है तुम्हें और इस एडिक्शन का कोई नशा मुक्ति केंद्र भी नहीं है रोहिणी, कम ऑन. काश अपने अनुभव से मैं तुम्हें ये अनुभव करवा पाती कि कितना अमेजिंग अनुभव तुम अनुभव ही नहीं कर पा रहे हो. व्हाट? हूज अनुभव? ये सब क्या है बेबी? ये वो है जो मैं मिस कर रहा था. ये शवल, इसका क्या करोगे? नहीं, कुछ करूंगा. ये गीजर, पैंस, ये ड्राई मॉप एंड माइक्रोवेव. माइक्रोवेव नहीं, शॉपिंग वेव. शॉपिंग? व्हाट? यू वर राइट, रिटेल थेरेपी वर्क्स. आई फील लाइक अ गो गेटर. आई जस्ट गो एंड गेट व्हाट आई वांट. गो एंड गेट. आई फील ऐसे मेरे अंदर किसी ने नया ओएस डाल दिया. वो तो ठीक है, लेकिन माइक्रोवेव तो हमने दिवाली पे ही लिया था. पर उसमें कन्वेक्शन नहीं है ना, इसमें कन्वेक्शन है. वी कैन मेक डिफरेंट केक्स एंड कुकीज. सोचो, लोग कपल गोल्स बनाते हैं, हम गोल कपल बनेंगे. अरे कुछ भी मत बोलो यार, ये डिनर सेट
वो तो ऑलरेडी दो पड़े हुए हैं। अरे नई प्लेट नई बोल्स में खाऊंगा तो अच्छा फील करूंगा, अच्छा परफॉर्म करूंगा, अच्छा अप्रेजल मिलेगा। आज 1 लाख की थेरेपी की है, कल 10 लाख की करूंगा, 20 लाख की करूंगा। तुमने सब पे 1 लाख रुपए खर्च कर दिए? ना 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 ना, खर्च नहीं किए मैंने, मैंने 40,000 रुपए बचाए। पूछो कैसे? कैसे? इसका बिल था 1,40,000 रुपए। आई गॉट 40,000 रुपए डिस्काउंट, वन विन विन। याद आया? ओके ओके, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए तुमने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए। तुम में और मुझ में क्या फर्क रह गया? मैं क्या करूँ, तुम मान ही नहीं रही थी, अब मान गई। पक्का? पक्का। टॉप के नीचे कुछ पहन तो नहीं रखा? कुछ नहीं है बाबा, अब चलो ये सब रिटर्न करके आते हैं। रिटर्न नहीं होगा। क्यों? अरे शूट कैसे होगी रिटर्न हो गया तो? मतलब? अरे मेरी एक एड की शूट है, उसमें एक घर का सेटअप है, तो ये उसका सामान है। अब प्रोडक्शन वाला स्टूडियो में रख रहा था, तो मैंने कहा यार एक दिन के लिए मेरे घर पे सेटअप कर दे, मुझे मेरी वाइफ का दिमाग रीसेट करना है। ओह गॉड, तुमने मुझे हार्ट अटैक दे दिया था। चलो ठीक है, अभी हेल्प करो उसको साइड में करते हैं। शावल तो रख ही सकते हैं वैसे। थेरेपी का काम है हमारी प्रॉब्लम्स को क्योर करना, लेकिन जब ये थेरेपी ही एडिक्शन बन जाए तो इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत हानिकारक हो सकती है हमारे फ्यूचर के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, पैसों के लिए। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और हंसते रहें, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। Hi guys, I hope you liked today's episode. आप में से कितने सारे लोग मेरी तरह shopaholics हैं मुझे comments में बताइए. And today's episode was done in partnership with ET Money. Yes, ET Money Genius की membership लीजिए and invest like a pro. पाइए market beating returns while taking the risk that you are comfortable with. और उसके बाद उन returns से जितनी मर्जी retail therapy करनी है no. कीजिए. नहीं ना? No, no, no. कुछ better कीजिए. सबसे पहले तो description में एक link है, उसको click कीजिए to know more. Yes. और उसके बाद episode को like कीजिए. Subscribe कीजिए. Please. और कॉन्टेस्ट क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कीजिए। आपको ये बताना है कि हमने एपिसोड में टोटल कितने शॉपिंग बैग्स यूज किए। वन लकी विनर विल विन अ वीडियो कॉल विद करण एंड मी। सो लीव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दिस इज बोथ ऑफ अस साइनिंग आउट। लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू।